हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास फिफ्थ के चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.1। चैप्टर 10 है जिसका नेम है करेंसी। करेंसी क्या होती है उसका जो जनरल इंट्रोडक्शन है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको दे दिया था, तो आज हम एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ फार्मर सोल्ड वीट फॉर 2058 रुपीज एंड 25 पैसे। यानी एक फार्मर है वो क्या कर रहा है, वीट यानी गेहूं को बेच रहा है 2058 रुपीज और 25 पैसे में। मेज फॉर 1154 रुपीज एंड 50 पैसे। और मक्के को वो किसमें बेच रहा है, 1154 रुपीज और 50 पैसे। फाइंड द टोटल अमाउंट फॉर विच ही सोल्ड वीट एंड मेज। अब क्वेश्चन में हमें पूछा है कि टोटल अमाउंट हमें निकालना है, यानी जो गेहूं और मक्का दोनों ही बेच रहा है तो उससे उसको कितना अमाउंट मिल रहा है, यानी टोटल रुपीज कितने हो जाएंगे उसके पास। तो इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। टोटल निकालना है यानी इसको हम ऐड करेंगे। तो अब हम करेंसी को किस तरीके से ऐड करते हैं वो देख रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं अब हम। तो हमारे पास जो अमाउंट दे रखा है रुपीज में दे रखा है, एक तो रुपीज में दे रखा है और एक पैसे में दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले सोल्ड, सबसे पहले क्या सोल्ड कर रहा है, वो वीट सोल्ड कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, वो मेज। अब इसका कितना अमाउंट उसे मिल रहा है, रुपीज तो उसको मिल रहे 2058, रुपीज के नीचे ही लिखना है 2058, और पैसे कितने मिल रहे हैं उसको 25। तो ये मैंने लिख दिए इस तरह से। सेकंड उसको मिल रहे 1054। अब आपको ये देखना है कि आप किस तरीके से लिख रहे हो, यानी अरेंज करना आपको आना चाहिए कि डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए, ठीक है, और 50। अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट। तो अब आप प्लस कीजिए इसको। अब रुपीज और पैसे को प्लस करना है हमें, तो अब आप प्लस करो इसको। तो 5 और 0 5 5 और 2 7, 8 और 4 12 का 2 1 कैरिंग, और यहां हो जाएगा 5 और 5 10 और 1 11 और 1 कैरिंग, 1 और 1 2 और 2 और 1 3, यानी 3 2 1 2। ये तो हो रहा है हमारे रुपीज और ये हो रहा है हमारे पैसे। तो इसको हम लिख लेंगे देयरफोर ही हैज सोल्ड टोटल ग्रेन फोर रुपीज है उसके पास 3212 एंड 75 पैसे। तो इस तरीके से हमें प्लस करना है। सेकंड देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ वेंडर वेंट टू सिटी कैरिंग 8575 रुपीज एंड 75 पैसे। यानी एक विक्रेता सिटी जा रहा है तो इतने पैसे उसके पास है, 8575 रुपीज और 75 पैसे। ही परचेज यानी अब उन पैसों में से वो कुछ परचेज करेगा। ही परचेज क्लोथ फॉर, अब वो क्लोथ ले रहा है 5052 रुपीज एंड 25 पैसे के। और ग्रोसरी यानी कुछ सामान भी ले रहा है वो, तो वो ले रहा है 2070 रुपीज एंड 25 पैसे। फाइंड द अमाउंट ऑफ रिमेन्स विथ हिम नाउ। अब उसके पास कितना अमाउंट बचेगा वो हमें निकालना है। तो फर्स्ट में वो क्या ले रहा है, क्लोथ ले रहा है, क्लोथ वोट। सेकंड में वो क्या ले रहा है, ग्रोसरी ले रहा है। इस साइड हम रुपीज लिखेंगे, इस साइड हम पैसे लिखेंगे। तो क्लोथ कितने के परचेज कर रहा है वो, 5052 रुपीज में आ गए और 25 पैसे, ये हुए 25 पैसे। ग्रोसरी का जो अमाउंट परचेज कर रहा है, अमाउंट वो पे कर रहा है वो है
2070 रुपीज़ एंड 25 पैसे। तो अब उसने जो अमाउंट यहाँ पर टोटल अमाउंट उसने पे कर दिया वो कितना हो जाएगा, यानी इन दोनों को अब हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो टोटल आइटम बोट तो यहां पर क्या आएगा, उसके रुपीज आ जाएंगे, तो प्लस कीजिए अब आप 5 4 5 10 का 0 1 2 2 4 1 5 2 0 2 7 5 12 का 2 1 केरिंग 0 0 ये 0 होता तो 1 ऐसा ही आ जाएगा 5 4 2 7, यानी 7122 रुपीज़ 50 पैसे। अब उसके पास जो टोटल अमाउंट था वो था 8575 रुपीज़ और 75 पैसे। तो अब उस इतना उसने क्या कर दिया, पे कर दिया, ये सारे अमाउंट उसने पे कर दिया। अब उसके पास बचा क्या, तो इसमें से अब हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, यानी इस साइड हम लिखेंगे रुपीज, इस साइड लिखेंगे पैसे। 8575 और 75 पैसे, उसमें से इसका है 7122 और 50 पैसे। माइनस कीजिएगा आप, 5 में से 0 गया तो 5, 7 में से 5 गया तो 2, 5 में से 2 गया तो 3, 7 में से 2 गया तो 5, 5 में से 1 तो 4, 8 में से 7 1। यानी ये जो अमाउंट आया है ये कौन सा अमाउंट है, ये रिमेनिंग अमाउंट है, ठीक है। तो मनी यहाँ पर आप लिख सकते हो लेफ्ट विथ हिम, यानी उसके पास अब जो मनी बचेगा वो ये है 1453 रुपीज़ 25 पैसे। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन थर्ड है इसी का, ₹525 and 25 पैसे मल्टीप्लाई, यानी रुपीज़ और पैसे दे रखे हैं उनको हमें मल्टीप्लाई करना है। इसके फोर पार्ट हैं, इन्हें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो रुपीज़ और पैसे दे रखे हैं उनको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। रुपीज़ यहाँ पर लिख लीजिए आप, पैसे इधर लिख लेंगे, मल्टीप्लाई हमें करना है 13 से। तो अब आप ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा अलग टाइप का होगा, क्योंकि पैसे की जो भी आएगा इस साइड ही रहेगा वो, और उसको बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, रुपीज़ में चेंज करना पड़ेगा। 3 5 15 का 5 1 केरिंग 3 2 6 और 1 7, ठीक है, ये तो पैसे का आ गया सारे। अब हम रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 5 15 का 5 1 केरिंग 3 2 6 और 1 7, 3 5 50, ठीक है, ये पैसे पैसे का भी इधर हो गया। अब हम वही मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाएंगे, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब पैसे का मल्टीप्लाई है तो वो इसी साइड रहेगा, इस साइड हम नहीं भेज सकते उसको। 1 5 5 एंड 1 2 2, यहीं पर रखेंगे हम, ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। 1 5 5 1 2 2 1 5 5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो ये सारे क्या है, पैसे हैं, तो पैसे का प्लस एक साइड होगा, रुपीज़ का प्लस एक साइड होगा। 5 7 और 5 12 का 2 और 1 केरिंग, तो ये हो गया 325। 5 में से 5 5 और 5 हो जाएगा 10 का 0 1 केरिंग 8 9 10 का 0 1 केरिंग, 5 और 5 10 और 1 11, ये केरिंग हो गया, तो ये हो गया 2100। ये तो हो रहा है रुपीज़ और ये हो रहे पैसे। अब आपने कभी 325 पैसे तो होते ही नहीं है वो, अगर उसमें जैसे ही 100 से अगर अबाउ कोई भी पैसे हुए या 100 हुए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आप यहां पर देखिए 325 पैसे हैं। अब 325 पैसे हमें, इनको हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि 1 रुपीज़ इज़ इक्वल्स टू 100 पैसे होते हैं, ठीक है, ये तो हमें पता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है आपको 325 पैसे दे रखे हैं, यानी इसमें कितने रुपीज़ हैं, 325 में रुपीज़ कितने हैं, तो उसको रुपये में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 325 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 100 से अगर आप डिवाइड करोगे
तो आपके पास आ जाएगा 3 रुपीज और 25 पैसे। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो। आपको सबसे सिंपल अगर समझना है तो आप देखिए कि 100 पैसे होते ही क्या हो जाता है, 1 रुपया बन जाता है, ठीक है। तो 300 पैसे होते ही क्या बनेगा, 3 रुपीज बन जाएंगे। तो यहां पर देखिए 325 पैसे है, तो हमें तो यहां पर नजर डालनी सिर्फ, तो ये क्या है, 3 रुपीज बन गया, 3 रुपीज बन गया, यानी रुपीज किस साइड आ जाता है, रुपीज तो इस साइड चला जाता है, रुपीज का, क्योंकि रुपीज का जो बॉक्स है वो तो इस साइड है। तो इधर हम क्या कर लेंगे, 3 को प्लस कर लेंगे। अब इधर क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 25 बच गया, तो इधर हमने 3 प्लस करा तो ये आ गया और इधर हो गया 25। ये तो हो गया हमारे पास रुपीज और ये हो गए हमारे पास पैसे। तो इसको समझने के 2-3 तरीके हैं। आप अगर डिवाइड करके देखेंगे तो भी यही आएगा। अगर आपको डायरेक्ट यहीं से करना है तो आपको यहां से पता चल रहा है कि 100 में तो 1 रुपीज होता है, तो 300 में 3 रुपीज हो जाएगा और 25 तो एक्स्ट्रा है, तो 25 तो ऐसा ही रहेगा 25 पैसे, क्योंकि 25 पैसे हो सकता है, क्योंकि 100 जब तक 99 पैसे होंगे तब तक हम लिख सकते हैं। जैसे ही 100 पैसे हुए तो हम उसको 1 रुपया लिख सकते हैं, उसको 100 पैसे नहीं लिखकर उसको क्या लिखेंगे, 1 रुपीज उसको लिखेंगे। तो 99 तक हम लिख सकते हैं, यानी 100 से नीचे तक के पैसे जो है वो तो हम लिखेंगे, और जैसे ही 100 हुआ या 100 से ऊपर गए तो वो हमें इधर ऐड करना पड़ेगा। सेकंड देखिए आप, इससे बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। 75 पैसे हैं और मल्टीप्लाई करना है 16 से। अब आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, पैसे पैसे वाला जो भी मल्टीप्लीकेशन है वो इसी साइड रखेंगे और रुपीज वाला मल्टीप्लीकेशन इसी साइड पर रखोगे आप, ठीक है। 6 5 30 का 0 3 कैरिंग, 6 7 42 और 3 45। 6 7 अब 45 को यहीं रखना है, ऐसा नहीं है कि आप इसके नीचे लेकर आ जाओ इसको। 6 7 42, ये 42 ही हो जाएगा क्योंकि 0 यहां पर 4 कैरिंग लगेगा तो वो ऐसा कैसे उधर जाएगा। 6 5 30, अब आपको यहां पर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाना है। 1 5 5 1 7 7 1 7 7 1 0 0 और 1 5 5। अब प्लस करते हैं हम, 0 5 4 5 10 का 0 1 कैरिंग आया, 7 और यहां पर 5 ये हो गया 12 7 8 9 4 5 3, ठीक है। क्योंकि जो भी पैसे का जो भी मल्टीप्लिकेशन है वो मैंने एक ही साइड पर रखा, यानी उसकी कैरिंग को इधर नहीं पहुंचाना है हमें। अब आप देखिए कि 100 पैसे होते हैं तो 1 रुपीज हो जाता है डायरेक्टली। तो यहां पर कितने पैसे हैं, यहां पर 100 के यहां पर 1200 पैसे हैं, तो ये जो 12 है वो कहां चला जाएगा, इस साइड आ जाएगा और इधर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो 12 इसमें आपको क्या करना है और प्लस कर देना है। तो 12 इसमें प्लस करोगे तो 11 का 1 केरिंग, 5 6 5 3, यानी ये तो हो गया आपके रुपीज और 0 0 पैसे, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो डायरेक्टली। तो बाकी के जो 2 क्वेश्चन है, 3rd और 4th, आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर है, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 35,755.20, यानी ये जो आगे दे रखा है पॉइंट के इस तरफ वो तो हो जाएंगे रुपीज और पॉइंट 20, यानी ये जो 20 है वो है पैसे। पॉइंट इसीलिए लगाया हुआ है कि रुपीज और पैसे का अलग अलग यहाँ पर शो कर रहा है, इसलिए ये पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पर। इज गिवन टू द 13 वुमन ऑफ गोरेला विलेज अंडर द प्लानिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। स्टेट द अमाउंट गिवन टू ईच वुमन, यानी क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि ये टोटल अमाउंट है, ठीक है, और ये अमाउंट क्या हो रहा है कि 13 वुमन्स को ये अमाउंट क्या कर रहा है, स्कीम के थ्रू मिल रहा है, 13 वुमन्स को मिल रहा है। तो यहाँ पर ऐसा बताया है कि ईच वुमन, यानी
प्रत्येक वुमन को कितना मिल रहा है, यानी 13 वुमन्स को साथ में तो इतना मिल रहा है टोटल, उनको इतना मिला है, यानी 13 जो वुमन्स है उन सभी को इतने रुपीस मिल रहे हैं, 13 को ऐड करके इतने मिल रहे हैं, तो एक वुमन को कितना मिलेगा। तो इसमें अब हम क्या कर लेंगे, डिवाइड करेंगे तो ही तो वन एक का निकलेगा। तो आपको 357.55.20 में किसका डिवाइड करना है, 13 का डिवाइड करना है। तो आप अब डिवाइड कर लीजिए 357.55.20, इसमें 13 का डिवाइड कर लीजिए। तो 13 का डिवाइड करेंगे हम तो 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39। तो 39 तो क्या हो गया, यहाँ पर ज़्यादा हो गया, तो 2 टाइम करेंगे अपन 26, माइनस करेंगे, माइनस किया 15 में से 6 गया तो 9, और यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, अब नेक्स्ट डिजिट हमारे पास है 7, तो 7 को हमने यहाँ पर लिख दिया, तो ये क्या बन गया, 97 बन गया। तो अब 13 की टेबल आप कितने टाइम बोलोगे, 7 टाइम बोलोगे, तो कितना आता है, 91 आता है। 7 में से 1 गया 6 0, इस 5 को हमने यहाँ लिख दिया, अब ये बन गया 65। अब 13 की टेबल आप बोलिए तो 5 टाइम अगर आप बोलते हो तो 65 आता है, वापस माइनस करेंगे 0 0 आ गया। नेक्स्ट इस 5 को हम यहाँ पर लिखेंगे, अब हमने 5 लिख लिया, उसके बाद भी क्या हो रहा है, डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 5 तो यहाँ पर छोटा है और 13 यहाँ पर बड़ा है, तो अब हमने डिजिट भी उतार लिया है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिजिट और उतारना पड़ेगा। तो एक डिजिट उतारने के लिए आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी हम दो डिजिट साथ में नहीं लिख सकते। तो ये लग गया आपके, यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, तो 13 की टेबल अब हम बोलेंगे 4 टाइम, तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, माइनस किया तो 0 0। अब हमारा ये 2 भी यहाँ पर आ गया था, अब हमारे 0 बचा है, तो 0 को हम डायरेक्ट इधर लगा लेंगे, ये लग गया 0। अब आप देखिए हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 275040। ठीक है, अब यहाँ पर आपके क्या दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। तो यहाँ पर भी आप क्या कीजिएगा, 2 डिजिट छोड़कर वापस पॉइंट लगा लीजिए, यानी पैसे कितने आ रहे हैं आपके, 40 पैसे आ रहे हैं, और रुपीज़ कितने आ रहे हैं, 2750 रुपीज 40 पैसे, ये आपका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुजन परचेज 5 kg राइस एट द रेट 45.50। ये देवनागरी में दे रखे हैं, यानी ये देवनागरी जो काउंटिंग है वो मैंने आपको पहले ही सिखा दी थी। ठीक है, एंड 3 kg शुगर एट द रेट 28.60, यानी 5 kg राइस का जो रेट है वो रेट क्या है उसकी, 45.50, यानी 1 kg की रेट है 45.50, तो 5 kg की कितनी हो जाएगी। तो इसको हम क्या करके करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 3 kg शुगर की जो रेट है वो है, 1 kg की जो रेट है वो है 28.60, तो 3 kg की कितनी हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इफ बैलेंस अमाउंट विथ हिम इज 245.60, यानी उसके पास जो बैलेंस अमाउंट है वो कितना है, 245.60, देन फाइंड द टोटल अमाउंट विथ हिम, यानी उसके पास अभी इतने पैसे है तो उसके पास टोटल कितने रुपीस थे, यानी जब वो घर से निकली तब उसके पास कितने रुपीस थे, सामान ले लिया उसने तो ये पैसे क्या कर दिए उसने, एक्सपेंड कर दिए। तो एक्सपेंड वाला हम क्या करेंगे, उसमें इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम किस तरीके से करेंगे, तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 5 kg राइस, 5 kg राइस की कॉस्ट देखेंगे अब हम। तो यहां दे रखा है 45.50 मल्टीप्लाई 5, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें अगर देवनागरी में मल्टीप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो हम इसको सिंपल तरीके से लिखकर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 45.50 इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से, 500, 5 5 25 का 5, 2 कैरिंग, 5 5 25, और ये हो जाएगा 25 26 27, 2 कैरिंग, 5 4 20 और 2 22। अब पॉइंट के पीछे कितने डिजिट, 2 डिजिट है, तो आंसर में भी 2 डिजिट छोड़ दीजिए और पॉइंट लगा लीजिए, यानी इसका आंसर क्या आ रहा है, 2 2
7.50, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे कॉस्ट ऑफ 3 kg शुगर। अब शुगर की जो रेट है उससे हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो रेट आ रही 28.60 मल्टीप्लाई 3, 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 85.80, ये इसका आंसर आ रहा है। अब टोटल मनी कितनी हो जाएगी तो हम क्या कर लेंगे, सबको प्लस कर लेंगे। टोटल मनी, तो टोटल मनी कितनी हो जाएगी, अब उसके पास अभी कितने बचे 245 उसके पास बचे हुए हैं, यानी ये हम लिख लेंगे यहां पर 245.60। अब उसने खर्चे कितने के कर दिए, तो यहां पर देखिए आप 227.50 और ये है आपके पास 85.80, ठीक है। अब इसको आप प्लस कर लीजिएगा, तो प्लस करते हैं तो 000 ही होता है। 6 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 11 हो जाएगा, 11 और 8 कितना हो जाएगा 19, तो यहां हो जाएगा 9 और 1 लगेगा कैरिंग में, ठीक है। 5 और 1, ये 5 और 5 हो गया 10, ठीक है। 10 और 1 हो गया 11, 11 और ये 7 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो यहां हम लिखेंगे 8, 1 कैरिंग में, और 4 और 1 5 6 7 और 8, 7 और 8 कितना हो जाएगा 15 का यहां आएगा 5 और 1 कैरिंग, 2 और 2 4 और 1 5, तो ये आ रहा है 558.90। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 558.90। क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉस्ट ऑफ अ शर्ट इज ₹326.50, यानी 326.50, यानी एक शर्ट की जो कॉस्ट है वो इतनी है। ट्राउजर की कॉस्ट भी इसने बता रखी है 780, यानी 780.60। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 शर्ट एंड 5 ट्राउजर, तो 3 शर्ट की और 5 ट्राउजर की कॉस्ट निकालनी है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो कॉस्ट ऑफ 3 शर्ट, यानी ये तो 1 की दे रखी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 326.50 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना आता है। आप यहां पर सिंपल इसको नॉर्मल जो काउंटिंग होती है उसमें भी लिखकर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा, मल्टीप्लाई किया तो आया हमारे पास 979.50। सेकेंड, अब हम किसकी, ट्राउजर की कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ ट्राउजर कितने थे, 5 ट्राउजर्स, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 780.60 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से करेंगे, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा, मैं यहां पर डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं इसका, तो ये आ रहा है 3903.00। अब हम क्या निकालेंगे, टोटल प्राइस निकाल लेंगे, टोटल प्राइस कहिए या टोटल अमाउंट भी लिख सकते हो यहां पर, तो इनको हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो सबसे पहले ये दे रखा है हमारे पास 979.50 और सेकंड है हमारे पास 00.3093। इस तरीके से हमें अरेंज करके प्लस करना है, 0 और ये हो जाएगा 5 और 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 2, 1 कैरिंग और 7 और 1 8, यहां हो जाएगा हमारे पास 9 और 9 18, ये 1 कैरिंग, तो 3 और 1 4, ये इसका आंसर आ रहा है, यानी 4882 रुपीज 50
पैसे। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ फ्रूट मर्चेंट वेंट टू फ्रूट मार्केट, यानी एक फ्रूट मर्चेंट है वो एक फ्रूट मार्केट गया कैरिंग 35,916 रुपीज, यानी इतने रुपीज लेकर वो फ्रूट मार्केट गया। ही परचेज एप्पल फॉर, उसने एप्पल खरीदे, ग्रेप्स खरीदे और बनानाज उसने खरीदे, ठीक है। स्टेट द अमाउंट रिमेन विथ हिम, अब उसके पास कितना अमाउंट बचेगा। तो सिमिलरली हमने जैसा सेकेंड क्वेश्चन करा था वैसा क्वेश्चन है ये, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो वो एप्पल भी ले रहा है, ग्रेप्स भी ले रहा है और बनानास ले रहा है, इनको सबको हम प्लस कर लेंगे। इधर हम रुपीज़ लिखेंगे, इधर हम पैसे लिखेंगे। रुपीज़ में हमारे पास आ जाएंगे, एप्पल का जो रुपीज़ है वो है 12,763.30, ग्रेप्स का आ जाएगा 13,243.30, बनानास का आ जाएगा सिर्फ 947 रुपीज़, यानी ये इस साइड आएगा 947 और पैसों में कुछ भी नहीं दे रखा है तो 00 लिख लेंगे। अब हम प्लस कर लेंगे 03036, यहाँ आ जाएगा 7 और 3 10 और 3 13 का 3 1 कैरिंग, ये हो जाएगा 4 और 4 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 का 5 1 कैरिंग। अब आप देखिए ये हो गया 8 7 और 1 8 9 10, 10 और 9 19 का 9 1 कैरिंग और 3 और 3 6 26953, ये है रुपीस और ये है पैसे। अब इसमें जो फ्रूट मर्चेंट था वो उसके पास टोटल अमाउंट इतना था और इतना उसने क्या कर दिया, पे कर दिया, तो अब उसके पास बचा कितना। तो लेफ्ट मनी में हम अब करेंगे इस साइड रुपीस, इस साइड पैसे, टोटल लेकर कितना गया था वो 35,916 रुपीज़ लेकर गया था, पैसे कुछ भी नहीं थे तो 00 लिखेंगे। और इधर हमारे पास आ रहा है 26953 60, माइनस करेंगे अब हम इसको, माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 8,962.40, ठीक है, यानी ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मीरा हेड, यानी मीरा के पास इतने रुपीज़ है 20,974.80, शी इन्वेस्ट, और उसने इन्वेस्ट कितने कर दिए 10,544.40 एंड बैलेंस्ड अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन हर बोथ चिल्ड्रन, और जो बचा है उसके पास अमाउंट है वो क्या कर रही है, वो अपने दोनों ही बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। फाइंड द अमाउंट ऑब्टेन बाय बोथ चिल्ड्रन, तो उन बच्चों को कितना अमाउंट मिलेगा वो हमें निकालना है। टोटल मनी मीरा हैज, उसके पास कितनी मनी है 20,974.80, ठीक है, शी इन्वेस्ट, तो यहां पर क्या करा है उसने, मनी इन्वेस्ट करी मतलब क्या कर दिया उसने, खर्च कर दी उसको, तो स्पेंड लिख सकते हैं यहां पर, स्पेंड मनी, तो इसका आ जाएगा 10,544.40। तो अब उसके पास जो मनी बची है वो कर लेंगे यहां पर, तो मनी लेफ्ट विथ हर, उसके पास कितनी मनी अब बची है, तो अब आप इसको माइनस कीजिए आप, 0 8 में से 4 गया तो 4 4 में से 4 गया तो 0 7 में से 5 गया तो 4 0 और 1, यानी उसके पास इतने रुपीज़ अब बचे हुए। अब वो क्या कर रही है, अपने दोनों ही बच्चों में इन पैसे को बांट रही है, तो बच्चों को कितना अमाउंट मिलेगा, तो यहाँ पर अब हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे 10,430.40, इसमें हम किसका डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर लीजिए 2 5 ज़ा 10, माइनस किया 0 0, 4 यहाँ आया, 2 2 ज़ा 4, माइनस किया 0, 3 यहाँ आया, 2 1 ज़ा 2 1, और ये 0 यहाँ आया, तो 2 5 ज़ा 10,
ठीक है, 0-0 हो गया। अब हम इस 4 को भी नीचे उतार लेंगे, तो 2 टू जा 4 और इस 0 को हम बच गया तो इसके पीछे लगा लेंगे। अब आप देखिए 521520, अब पॉइंट के पीछे कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट छोड़कर यहाँ पर भी पॉइंट लगा लीजिए। यानी वो अपने बच्चों को कितने अमाउंट बच्चों को दे रही है, 5215 यानी 5215 रुपीज़ तो दे रही है और 20 पैसे भी उनको दे रही है। देयरफोर ईच सन गेट रुपीज़ 5215 एंड 20 पैसे। क्वेश्चन नंबर 9, कॉस्ट ऑफ वन साइकिल इज रुपीज 1075.50 पैसे, यानी पॉइंट लग रहा है, यानी ये वाले तो रुपीज है और ये पैसे है। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ सच 52 साइकिल्स, तो ऐसी ही 52 साइकिल्स है तो उसका कॉस्ट कितना होगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए अब आप कॉस्ट ऑफ वन साइकिल इज ये दे रखा है, कॉस्ट ऑफ सच 52 साइकिल्स, यानी इसको क्या कर लेंगे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन बताया था, अगर यहाँ पर पॉइंट दे रखा है आप सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करते हो तो भी हो जाएगा, लेकिन हम सिंपल तरीके से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर रुपीज़ और पैसे दे रखा है, तो हम इसको सिस्टम से ही करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए किस तरीके से करेंगे इसको, ये तो रुपीज़ है, ये पैसे है 50, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 52 से, पैसे पैसे का हम इधर ही रखेंगे और रुपीज़ का हम इधर रखेंगे। 200 25 10, ठीक है, 25 10 का 0, ये 1 कैरिंग, 27 14 और 115 का 5, 1 कैरिंग, तो ये नीचे आ जाएगा, 2 1 2। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई का यहाँ पर सिंबल यूज़ करेंगे, 5 0 0 5 5 25, यानी ये पैसे वाला हम इधर ही रखेंगे। अब इधर करेंगे 5 5 25 का 5, 2 कैरिंग, 5 7 35 और 2 36 और 37 का 7 और 3 कैरिंग, तो ये 3 तो यहाँ नीचे आ जाएगा, 5 1 5। अब हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, 0 0 5 4 1 6 और ये 2, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 2, 1 कैरिंग, 3 4 5 और 5 6 7 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा रुपीज़ और ये हो गया हमारा पैसे। अब मैंने आपको बताया था कि 100 पैसे मिलकर ही क्या बन जाएगा, 1 रुपीज़ बन जाएगा, ये तो आप जानते हो। तो अब आप देखिए यहाँ पर आगे क्या दे रखा है, 26 दे रखा है, यानी ये 26 किधर ऐड हो जाएगा, इधर ऐड हो जाएगा। कितने ये कितने पैसे हैं, 2600 पैसे हैं, तो 26 यानी जैसे यहाँ से 1 हटकर इधर रुपीज़ में आ जाता तो यहाँ से 26 हट जाएगा और इधर आ जाएगा, तो इसमें हम प्लस कर लेंगे 26 को, तो यहाँ पर 26 हट गया तो 0 0 बच गया, इधर प्लस करेंगे तो 6 और 5 11 का 1 1 कैरिंग, 2 और 2 4 और 1 5 5 7, यानी ये रुपीज़ हो रहा है और ये पैसे हो रहा है, ये आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टेन में हमें क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं, इधर लिखेंगे रुपीज़ और इधर लिखेंगे पैसे। रुपीज़ में सबसे पहले हमारे पास है 2508175, पॉइंट के बाद वाले क्या होते हैं, पैसे होते हैं, 70860.60, ये है 9876679, इस तरीके से अरेंज करना है इसको, ठीक है। और पैसे है यहाँ पर 42, अब इसको हम प्लस कर लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 0 लिख सकते हैं, तो 5 4 2 7 7 और यहाँ हो जाएगा 10, ये हो गया 17, ठीक है। यहाँ पर अब आप देखिए कि 6 और 1 7, यहाँ पर भी पैसे पैसे वालों को मैंने एक ही तरफ प्लस किया है, 8 और 6 14, 14 और 7 21 का 1 2 कैरिंग, 8 और 8 16 और 17 18 का 8 1 कैरिंग, 9 और 1 10 और 5 15 का 5 1 कैरिंग, 7 8 9 और 10, ठीक है।
अब आप देखिए यहाँ पर 177 क्या है, पैसे हैं और ये रुपीज़ है। अब 177 पैसे है तो इसको हम 177 पैसे तो रख नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही 100 पैसे होते हैं तो क्या बन जाता है, 1 रुपीज़ बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 177 पैसे है तो 1 कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो 1 इसमें प्लस कर लीजिए आप, तो इधर क्या बच गया, 77 पैसे और ये हो गया 818501, यानी ये तो रुपीज़ है और ये पैसे है, ये आपका आंसर है। अभी 1 इधर क्यों गया, क्योंकि 100 पैसे मिलकर क्या बनता है, 1 रुपीज़ बनता है, तो 100 ये यानी इस 1 के तो हमें इधर भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 177 हो गया, तो 1 इधर चला जाएगा, 77 इधर रह जाएगा। तो ये थी एक्सरसाइज 10.1।